नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको हर एंगल से सोचना होगा ताकि आपकी कमाई हो सके। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त जो आप कर करके अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं बकरी पालन में। ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी कमाई होगी सिर्फ बच्चे से होगी या फिर बकरियों से होगी। अगर उसमें अगर आप ब्रीडर तैयार करके बेचते हैं उससे भी आपकी इनकम हो सकती है, या तो आप कुर्बानी के लिए बढ़िया बकरे तैयार करते हैं उसमें भी आपकी इनकम हो सकती है। तो दोस्त, अभी मैं हूँ सारण गोट फार्म में। और दोस्त, आपको बता दें कि आदम भाई बकरी पालन 1.5 वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ पर इनके जो एक केज है इसमें लगभग 8 खस्सी है जो कुर्बानी के लिए आदम भाई ने तैयार किए हैं। तो इसके विषय में सारी जानकारी आपको भी मिलेगी आज के वीडियो में कि कैसे ये तैयार किए हैं और क्या क्या इसका डाइट है और कितने दिन के बाद ये बिक्री हो जाएगी और कितने पैसे इनको मिलेंगे। तो सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्त, ध्यान से इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आदम भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी नीरज जी, आपका भी स्वागत है सारण गोट फार्म में। आप 1.5 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं, तो ये आपके घर के हैं या बाहर से लाए हैं? नहीं, सब हमारा यहाँ का ब्रीड है, ये सब घर का है। तो ये सब हमारे यहाँ के बच्चे हैं। ये सब यहाँ के बच्चे हैं? जी, सब हमको पहचानते हैं, सब हमारा यहीं के फार्म का बच्चे हैं। इसका डाइट क्या है? जी, डाइट जो सब बकरियाँ का है वही इसका डाइट है। थोड़ा पत्ता इसको ज़्यादा हम लोग खिलाते हैं। थोड़ा सा पत्ता ज़्यादा खिलाते हैं जी। कितने दिन का ये सब है? ये सब 1 साल के नीचे का है। कोई 11 महीने का है, कोई 8 महीने का है और कोई 1 साल का अभी कोई नहीं है। करीब 1 महीने के बाद 11 महीना सबसे ज़्यादा वाला का है। लगभग 11 महीने का सारा खस्सी है जी। सबका वेट होएगा इसका 30 है, किसी का 25 है, किसी का 27 ऐसे है। और एक हमारे पास ये जो ब्रीडर है ये 5 महीने का है और इसका वेट 20 kg है। ये ब्रीडर आप तैयार किए हैं? इसका हम ये ब्रीडर तैयार कर रहे हैं। तो ये 20 kg, क्योंकि ये यूनिक है, ब्लैक कलर में जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ब्रीडर का है, ये इसी का बच्चा है। यानी कि जो भी बच्चे आपके नर आपके घर आपके फार्म पर आते हैं या तो उनको जो बेहतर होते हैं उनको ब्रीडर बना देते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनको ब्रीडर बना देते हैं। जी जी। जो थोड़ा सा कम स्लो रहते हैं उसको बढ़िया करवाते हैं जी। वैसे भी करना चाहिए सभी को, जो ज़्यादा ब्रीडर पहचान में आ जाता है वो खुद समझ में आ जाएगा किसान को। तो कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को भी दीजिए कि क्या वाकई ब्रीडर तैयार करना और बढ़िया तैयार करना फ़ायदेमंद बकरी पालन में है और कैसे है, इसके विषय में कुछ बताइए। जी, ब्रीडर है कि ब्रीडर का कोई वो नहीं होता है, जितना उसको उसके काम के ऊपर भी जाता है। और बढ़िया खसी है उसका ग्रोथ एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है तो उसका सब बॉडी वेट में जाता है। तो किस तरह के खसी को बढ़िया बनाना चाहिए, किस तरह के खसी को ब्रीडर बनाना चाहिए? जी, जो ज़्यादा एक्टिव रहता है उसको अंडुल करना चाहिए, उसको ब्रीडर बनाना चाहिए। और जो थोड़ा सुस्त रहेगा उतना वो नहीं रहेगा तो उसको आप बढ़िया करवा सकते हैं। तो भोजन में तो ठीक है, आपने बताया कि जो बकरियों को देते हैं वही देते हैं और एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत पत्ते देते हैं। दाना वगैरह भी इसको देते हैं क्या? क्योंकि इसकी कोई भी चाहता है कि जो भी बढ़िया खसी कुर्बानी के लिए अगर लें तो चर्बीदार होना चाहिए। तो चर्बी तो चर्बी को बढ़ाने के लिए, इसके बॉडी में चर्बी को बढ़ाने के लिए कुछ डाइट देते हैं एक्स्ट्रा या कुछ अनाज देते हैं? अभी तो नहीं देते हैं, लेकिन ये सबको हम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ये अब कुर्बानी अब नज़दीक आ रहा है तो उसको इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा ताकि और भी ग्रोथ एकदम तेज़ी से बढ़ सके। तो उसके लिए मकई का दारा और चना का छिलका और चना इसको दिया जाएगा तो बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ। अच्छा, तो अगर बहुत सारे लोग हैं जो कुर्बानी के समय में बकरे लेते हैं, तो कुछ लोग हैं जो कुछ दिन पहले ही लेते हैं या 2-3 महीना 4 महीना पहले ले लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई लेना चाहे कुर्बानी के लिए बकरे सेलेक्ट पसंद अगर उनको हो जाए, आपके पास आए और पसंद हो जाए और लेना चाहे, तो किस रेट में आप देंगे? केजी से देंगे या नग से देंगे? नहीं, केजी से तो नहीं, कुर्बानी का बकरा केजी से नहीं मिलेगा, नग से मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, करीब कुर्बानी के नज़दीक में मिलेगा। अच्छा, उनको आपके यहाँ के बकरे के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा? जी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेट है, उनके पास जाएगा कैसा है नहीं है। और यहाँ पे सेट है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होएगा, तो किसी का जब उस टाइम लेगा तो बहुत आदमी का रिस्क नहीं रहता है वो उस टाइम में लेके। तो ये भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति है कि आपके यहाँ से बुक कर ले पहले से कि नहीं ये बकरा मेरे को चाहिए, तो ऐसा हो सकता नहीं, है? नहीं, वैसा नहीं होएगा, वो बुक करके वो नहीं होएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बात हो जाती है कि ऐसे करता है वैसे करता है, तो वो सब नहीं है। जब आपको जब सेल के लिए उपलब्ध होएगा उस टाइम आप लीजिए, उस टाइम का आपको प्राइस लगेगा, क्या है नहीं है आप समझ लीजिए। तो क्या सर, फार्मिंग में अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो बढ़िया खस्सी तैयार करना ज़्यादा फायदेमंद है या ब्रीडर तैयार करके बेचना ज़्यादा फायदेमंद है या सिर्फ बकरी ही बेचना ज़्यादा फायदेमंद है? जी देखिए, इसमें सब इम्पोर्टेंट है।
और ये खांसी करके, तो खांसी करने में एक ये है कि आपको ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव का हो जाता है। अगर ब्रीडर आप तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए केज बनाना पड़ेगा और बहुत उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है लोग। तो ब्रीडर में पैसा ज़्यादा है, लेकिन उसको आप केयर ज़्यादा करना पड़ता है। केयर ज़्यादा करना, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, काहे कि जब बाहर आप छोड़िएगा तो वो सब बकरी के दौड़ाएगा, सबके पीछे पड़ेगा, सबको तो, परेशान करेगा जी, और तो, आपको भी शायद परेशान करेगा। हाँ, वो सबको करेगा एकदम, वो रहेगा। जैसे देखिए, ये सब है, ये सब खस्सी है, तो ये कितना शांत रहेगा। सब खस्सी चाहे ये सब बकरी हमको पहचानती है, सब एक बार है तो सब एकदम आराम से रहती है। तो इसको रखने के लिए कितने जगह की ज़रूरत पड़ती है, ब्रीडर को रखने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ती है, और जो बढ़िया खांसी उसको रखने के लिए कितनी जगह की जरूरत पड़ती है? बढ़िया खांसी के तो आप जितना भी भर के रख सकते हैं, देख लीजिए कितना एकदम चिपक के भी रहेगा, लेकिन जो ब्रीडर रहेगा, ब्रीडर ब्रीडर का दुश्मन है, उसके पास अपने पास नज़दीक नहीं जाने देगा कोई भी। उसके आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि जो आप बांध के रख सकते हैं तो कितना रस्सी छोड़िएगा कि वो एक दूसरे का पहुंच से दूर रहे, दूर रहे। जी जी जी, नहीं तो बहुत लड़ाई करता है। एक और सवाल है सर, कि अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में कुछ बचाव की ज़रूरत पड़ती है क्या इन लोगों को? हाँ, ठंडी में तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि कब किसको कैसे ठंडी लगेगा वो आप केयर कर सकते हैं। वो ये नहीं कि तगड़ा है तो उसको नहीं लगेगा, वो सबको ठंडी लगता है, तो उसको हम ये जूट का बोरी होता है, ये हम बांधते हैं। ये वाला जूट का बोरी है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं जी, बस इसको बहुत ईजी है, एक ये रखिए, इस पर एक रखिए, और ये हमारे पास रस्सी है, इसके ये इसको नीचे से लगाइए और बस ये इस पर ऐसे बांध दीजिए, ये ठंडे का बचाव हो जाएगा जी। ठंडे बस हो गया, ये आगे एक रहता है, हम एक लोहे का पिन होता है, वो आगे लगा देते हैं ताकि वो गिराए ना, बाकी बस हो गया। तो इसमें कोई परेशानी भी आती है क्या? जी, इसको बांधने के बाद आप सेट के अंदर आग नहीं जला सकते हैं, क्योंकि जब आग जलाइएगा तो इसको मालूम नहीं होगा कि कब हमको कितना गर्मी लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, और इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। बिल्कुल, जूट का है तो ये सावधानी रखनी होती है। हाँ, तो आप कभी भी ये जब बांधिएगा तो फार्म में आग बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, आग जलाइएगा तो बकरी का आग लग जाएगा, वो बहुत आपको नुकसान होगा। आदम भाई, ठंडी का मौसम है और इस वक्त आपके फार्म में बहुत सारे, लगभग कितने बच्चे आ गए होंगे? जी, हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं, एक महीना के सब, एक महीना 10 दिन से सब नीचे हैं। तो ठंडी में क्या क्या सावधानी बरतते हैं इसके प्रति? जी, ठंडी में बिल्कुल इसको दम जितना आप केयर कीजिए, इसको गर्मी रखना चाहिए, गर्म रखना चाहिए। तो हम नीचे फर्श पे पुगाल डाल के, और ये हमारे पास बड़ा बड़ा टोकरी है, ये टोकरी है, तो एक एक में दो दो तीन दिन ये उसके हिसाब से इसको, इसके ऊपर भी जूट का बोरी रख सकते। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं आदम भाई, उसको टोकरी में ढक कर रखते हैं और ऊपर से फिर जूट का बोरी डाल देते हैं। इसको ऐसे है, इसमें जैसे ये हो गया, ये तीन को डाल दिए और नीचे पुआल रहेगा, और इसको बंद कर दिए, और इसके ऊपर से तीन बोरी चारों तरफ से कवर कर दीजिए ताकि उसको ठंडा लगे। छोटे बच्चे को बोरी आप नहीं बांध सकते हैं, इसलिए उसको। अच्छा अच्छा, हमारे पास 17 बच्चा है, 17 के 17 अभी इधर उपलब्ध है, एक भी मोर्टेलिटी नहीं है, एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है, एक भी मोर्टेलिटी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं बहुत केयर करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ। अच्छा, ये बताइए एक और सवाल, कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है बकरी पालन के लिए? बिल्कुल, ट्रेनिंग तो बिना ट्रेनिंग के कैसे, रास्ता नहीं आपको दिखेगा कैसे, आपको जब आप रास्ता नहीं है तो कैसे जाइएगा। तो ट्रेनिंग वैसे ही है, ट्रेनिंग लीजिए तब ना किसको क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदम भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने बकरी पालन के विषय में हमारे दर्शकों को दिया। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माइंड यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।